नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी का एक टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत बार आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सचिवालय में RO का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पे 10 क्वेश्चन सीधे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से देखने को मिलेगा। मैं इसको बहुत सारे पार्ट में चलाऊंगा, पार्ट 1 आएगी, पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 आएगी। वीडियो छोटी हो और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सको और रिविजन करने की दृष्टि से आसानी हो सके, इसलिए वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी ही हो। तो बहुत पार्ट में वीडियो आने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। एग्जाम की दृष्टि से इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां पे आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे वो सभी RO के पेपर में पूछे गए हैं और उसी का मैंने एक सेट तैयार कर दिया है जिसकी मदद से आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को आप क्या बोलोगे? एक शब्द में अगर आपको बोलना हो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को, तो आप सीधे बोलोगे दुराग्रह। पैर से लेकर सिर तक, इसको हम बोलते हैं अपादमस्तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसको हम बोलते हैं प्रेषित पतिका। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसको हम बोलते हैं अध्यादेश। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको हम बोलते हैं अप्रत्याशित। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके ऐसी स्त्रियों को हम बोलते हैं असूर्यपश्या। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे जिगीषु। अपने सहारे पर रहने वाले को बोलते हैं हम स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको हम बोलते हैं अप्रमेय। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता जो होता है उसको बोला जाता है संविदा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको हम बोलते हैं मर्माहत। जिसे ऊपर कहा गया हो उसको हम बोलते हैं उपर्युक्त। जो शोक करने योग्य ना हो उसको हम बोलते हैं अशोक्य। जिन पर किसी का आतंक छाया हुआ हो उसको हम बोलते हैं आतंकित। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है ऐसे धन को हम बोलते हैं राजस्व। जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अशाब्दिक। मध्य रात्रि के समय को बोला जाता है निशित। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम बोलते हैं विजिगिषु। क्षण भर में नष्ट हो जाना इसको हम बोलते हैं क्षणभंगुर। तैरने या पार करने का इच्छुक इसको हम बोलते हैं तितिरशु। युद्ध की इच्छा करने वाले को हम बोलते हैं युयुत्सु। मदिरा पीने के प्याले को बोलते हैं चषक। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। जो स्त्री के वशीभूत है उसको हम बोलते हैं स्त्रेण। जिसका उत्तर पे उत्तर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसको हम बोलते हैं वागदत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो इसको बोलते हैं आकाशवृत्ति। मरणासन्न अवस्था वाले को हम बोलते हैं मुमूर्षु। तो देखो, अब आपको ये सारी चीजें याद कैसे करनी है? आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को 2 से 3 बार प्ले करो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप खुद ब खुद आंसर जान जाओगे। ये कोई ट्रिक नहीं होता इसका कि आप ट्रिक के सारे इसको याद करो, इसको या तो रट लो या तो वीडियो को 2-3 बार देख लो, आपके दिमाग में वो चीज बस जाएगी और इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे तो आपका क्वेश्चन आंसर भी लग जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगली वाली पार्ट देखना मत भूलना।